नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केंचो। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, अकेलापन। अकेलापन क्यों होता है और कैसा होता है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। एक बार की बात है, तो चलिए ले चलते हैं आप लोग को इस कहानी में। एक युवा जिसका नाम कुमार था, कुमार अकेलेपन से प्यार करने वाला इंसान था। उसने अपने एक ही अलग दुनिया बना लिया था मन ही मन, जहां वो अपने विचारों और सपनों के साथ अकेला महसूस कर सके। कुमार को बचपन से ही अलग और अकेला बहुत ही पसंद था। तो उसका उम्र का जितना बच्चा था जो खेलते थे, तो वो अपना घर में जाके अपना आप को गेट के अंदर बंद कर लेता था। उसके बाद वो अपना दिमाग का दुनिया में चले जाता था, खो जाता था, और वो अपने आप खेलता था अकेला घर के अंदर। और उसके लिए अकेले रहने को स्वर्ग समझता था। तो जब कुमार बड़ा हुआ, तो लोगों ने उसे अलगपन रहने से हैरत था। लोगों ने समझता था कि वो तन्हाई में या डिप्रेशन में शायद होगा, पर नहीं। कुमार की किताबें उसका साथी बन गया था, और टेलीविज़न देख के सारा दिन, सारा महीना, सारा साल वो टीवी देख देख कर अपना टाइम पास करता था। तो किताब और टीवी उसका साथी बन गया था, तो इसीलिए वो हमेशा घर में रहता था और किसी से मिलने नहीं जाता था बाहर। तो कुमार अपने आप में एक पूरा दुनिया पार लिया था, सोचिए। तो इसने समझा कि अकेला रहना उसका आत्मसम्मान और विचार सिद्धि का रास्ता है। तो कुमार का जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन पर यह बंदा खुश था। तो इस बंदे ने समझा खुद की खुशी तो अपने अंदर में ही है, तो उसकी खुद की दुनिया में, तो इसलिए वो अकेला रहना पसंद करता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये एक डिजीज है, जो इंसान अपना आप को अकेला रहना खुश मानता है। क्यों मानता है, क्या चलता है उनका दिमाग में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। और हमारे चैनल में जो आप लोग नए हैं, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।